हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ टूटी फ्रूटी और पान खोया मोदक। इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको देख लेते हैं। देसी घी 2 स्पून, 4 से 5 पान, कंडेंस मिल्क 2 स्पून, पाउडर शुगर 400 ग्राम, सूजी 200 ग्राम, खोया 150 ग्राम, टूटी फ्रूटी 50 ग्राम, 1 स्पून मेलन सीड्स, आलमंड 1 स्पून, 100 ग्राम कोकोनट पाउडर, किशमिश 1 स्पून, गुलकंद 1 बिग स्पून, चॉकलेट फॉर फिलिंग, लौंग फॉर गार्निशिंग, काजू 1 स्पून, मिल्क 200 ग्राम। हेलो फ्रेंड, हम जो ये हमारे पान हैं उनको हम ये इसकी जो ये डंडी होती है इसको कट कर देंगे और इनको छोटे छोटे पार्ट में हम काट लेंगे। इसी तरह मैं सबके ये हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सबकी डंडी निकाल कर पान के पत्तों की और इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है और अभी इसको एक मिक्सी जार में डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं ये जो हमारा कंडेंस मिल्क था उसको भी ऐड कर रही हूँ, जिससे ये पीसने में आसान हो जाएगा। अगर आपको तब भी ठीक लगे थोड़ा सा तो आप इसमें 2 स्पून मिल्क ऐड कीजिए, फिर ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा आपका अच्छे से। तो इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो पान थे उनको पीस लिया है। ये देखिए, अगर आपका ये नहीं पीसे कंडेंस मिल्क के साथ तो आप इसमें 2 चम्मच मिल्क ऐड कर दें तो ये बहुत अच्छे से पीस जाएगा। फिर ये देखिए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मोदक। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है जिसमें 1 कप पानी डाला है। अभी इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ पिसी हुई और हम अब इसको पकाकर चाशनी बनाएंगे। चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो इसके लिए मैं इसमें 4-5 बूंदे लेमन की डाल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बन चुकी है लगभग। हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए और अभी मैं इसमें ये मावा ऐड कर रही हूँ जिसको अभी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मावा हमारा मिक्स हो चुका है और अभी देखिए मावा एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है मावे का। तो अभी हम इसमें अपना पान वाला जो मिक्सचर है उसको ऐड कर देंगे। अब ये मिक्सचर डालने पर ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा तो हमें इसको थिक करने तक पकाना है अच्छे से, तब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पान वाला जो मावा है वो काफ़ी थिक हो गया है और इसको और थिक करने के लिए मैंने इसमें गोले का जो बुरादा था वो ऐड किया है और थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये बर्फ़ी बन जाएगा, एकदम प्लेट में डालते ही टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो चुका है, थिक हो चुका है। तो अभी मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ जिससे वो ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम फैला देते हैं जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। स्टफिंग बनाने के लिए ये जो गुलकंद है, मैं इसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ऐड कर रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं, मैं सभी डाल रही हूँ, मेलन सीड्स, काजू, नारियल, बादाम, किशमिश, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी। तो अभी हम गुलकंद का थोड़ा सा ये पार्ट लेंगे और इसका छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे हम स्टफिंग के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी गुलकंद की बॉल्स बना ली हैं। अभी हम जो हमारे मोदक हैं उनको बनाने स्टार्ट करते हैं। पान वाला जो मावे का मोदक बनाने का जो हमने मिक्सर बनाया था वो ठंडा हो चुका है। इसके बीच में मैं ये इस तरह से एक पान गुलकंद की बॉल रख के इस तरह से मोदक की शेप दे रही हूँ और इस पर इस तरह से हम डिजाइन बना देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से हम बाकी के मोदक भी बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मावा पान मोदक रेडी हैं। टूटी फ्रूटी मोदक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने सूजी को लिया है और इसको मैं भूनूंगी तब तक जब तक ये हल्की ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है और कम भी नहीं भूनना है,
बस अच्छे से ये रोस्ट होनी चाहिए, इतना ही। गोल्डन गोल्डन इसमें कलर आने लग गया, तो हम इसको इतना ही भूनेंगे। और अभी मैं इसको एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से हमारी गोल्डन ब्राउन होने तक सूजी भून चुकी है। मैंने दूसरा पैन लिया है जिसमें मैं दूध को डालकर गर्म करूंगी। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं इसमें ये पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमें शुगर लेनी है इसमें। तो ये अभी मेल्ट होने तक हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, यानी इसमें जो शुगर थी वो मिक्स हो चुकी है। तो अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जो भी आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं, मेलन सीड्स, काजू, बादाम, जो भी। एक बार इसको चला देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी ये जो सूजी है इसको ऐड करेंगे। धीरे धीरे, लम्स नहीं पड़ने चाहिए बिल्कुल भी। धीरे धीरे डालें और उसको मिक्स करते जाएं। अगर एक साथ हम डाल देंगे तो वो लम्स पड़ जाएंगे। तो ये मिक्स हो गई है, अभी मैं फिर से डाल रही हूँ। सारी सूजी मैंने डाल दी है इसमें और अब इसको अच्छे से हम पका लेते हैं। एकदम डार्क होगा ये, तो गैस को आप बिल्कुल धीरे रखें, बहुत जल्दी ये थिक होना शुरू हो जाएगा। दाने हैं सूजी में वो दिखने बंद हो जाने चाहिए, तब तक हमें इसको पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम से ही हमारी जो सूजी है वो बहुत ही थिक हो गई है। अभी इस टाइम मैं इसमें ये जो हमारा घी था थोड़ा सा, उसको ऐड कर रही हूँ, जिससे जो सूजी है वो चारों तरफ से हमारी हटने लग जाएगी और अच्छा सा इसमें स्मूथी टेक्सचर भी आएगा इससे, घी से। और इसको हम मिक्स कर देते हैं, लगातार चलाना है हमको और गैस को सिम पर ही रखे, मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं तो ये बहुत जल्दी लग जाएगा नीचे। तो ये देखिए, अगर आप घी डाल देंगे, मैं ये टूटी फ्रूटी जो है अपनी उनको ऐड कर रही हूँ। वाह, आप इसका कलर देखिए, मतलब बच्चे क्यों नहीं खाएंगे अगर इस तरह का कुछ हम देंगे उनको, और गणेश भी जरूर भोग लगाएंगे। पक चुकी है तो अभी इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसके मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लें और उसके बाद छोटा सा एक इस तरह से पाट लें और उसको लड्डू के जैसे बनाएं और फिर इस तरह से मोदक की शेप दे दें और पीछे से इस तरह से होल कर एक चॉकलेट का पीस डाल दें और बंद कर दें और फिर इस तरह से हथेली पे पाम पर रखकर अपने इस तरह से मोदक का शेप दें इसको। और जिस तरह से मोदक में लाइन बनी होती है उस तरह से आप देखिए, इस तरह एक टूथपिक लेकर इस तरह से निशान बना दें। ये देखिए, कौन कहेगा कि ये बिना मोल्ड के बने हैं, तो प्लीज आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हम बाकी के मोदक भी बना लेते हैं अपने। पान मोदक के ऊपर से मैं ये एक एक इस तरह से लौंग लगा रही हूँ, क्योंकि जो हमने गुलकंद इसमें डाला है उसके साथ लौंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें लगाइए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे दोनों टाइप्स के जो मोदक हैं वो बनकर रेडी हैं। आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसे लगे।